बोलना था, हम कोशिश कर रहे थे कि आप फ्लोर को, तो आप जो कि हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट साहब जो हम दिन साहब यहाँ पे स्टेट लाए, इंप्लॉयमेंट बोर्ड खानपुरा साहब जन सेक्रेटरी पार्टी के यहाँ पे लाए हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा जो भी आए आप अपनी बात रखें, आप अपना फीडबैक दें, आप हमें अपने तासर से नवाजें, लेकिन उसमें कोशिश ये रखें कि आप हमने परमिशन नहीं लिया आज, टू बी फ्रैंक अनफ। कल जो पार्लियामेंट में बयान आया होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने कहा कि किसी को हमने हाउस अरेस्ट नहीं रखा है, किसी भी लीडर को, कोई भी लीडर हाउस डिटेंशन में नहीं है। तो उस जो उनका जवाब था उसके मद्देनज़र हमने आज कोशिश की घर से निकलने की, हालांकि सिक्योरिटी वालों ने मुझे अपने गेट पर रोका भी, लेकिन मैंने उनको विस्क किया और मैं निकल गया, प्राइवेट गाड़ी में निकल गया और यहाँ ऑफिस में पहुँच गया। लेकिन ये जो विदाउट सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी मेरे साथ नहीं है, कोई PSO नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, मैं प्राइवेट गाड़ी में आया हूँ। और इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट हिंदुस्तान का जो बड़ा पार्लियामेंट है और माना जाता है कि जमहूरियत जो है हिंदुस्तान में पनप रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद भी कि कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, आज हमारे कई लीडरों को बाहर नहीं जाने दिया गया। मैं भी वो ये समझो कि मैं भी चोरी चोरी आ गया यहाँ, क्योंकि यहाँ मीटिंग रखी थी हमारे यूथ ने, हमारे जो हमारे नौजवान हैं PDP यूथ विंग है, उन्होंने मीटिंग रखी थी और मैंने तहिया किया था कि मैं आज निकलूँगा और ये इनका झूठ का पलंदा जो है ये बाहर आ जाए कि कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है, जबकि 13 महीने, 13.5 महीने से मैं 13.5 महीने के बाद निकला हूँ घर से। और ये झूठ इनका पूरी दुनिया को पता चलना चाहे कि ये कितना झूठ बोलते हैं। अभी तकरीबन 20 जो हमारे लीडरान हैं वो नज़रबंद हैं, जो घरों में नज़रबंद हैं। उसके अलावा हमारी जो प्रेसिडेंट है महबूबा जी, उस पर PSA लगाया गया है, वो भी अरेस्ट है, वो भी डिटेंशन में है, तो वो भी पिछले 13 महीने से हैं। उसके बगैर 20 लीडर जो हमारे हैं वो हाउस अरेस्ट हैं। देखिए मैं आपको साफ साफ ये बताऊंगा कि मुझे नहीं पता, आई विल नॉट टॉक अबाउट अदर पार्टीज़, अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि यहाँ सिचुएशन ऐसी है इस जम्मू कश्मीर में इस वक्त कि हर एक पार्टी जो है, हर एक लीडर जो है वो बहुत परेशान है। लेकिन जहाँ तक PDP का ताल्लुक है, मैं सीधी सी बात आपको ये बताऊँगा कि BJP को और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं मोदी जी, उनको बहुत डर लगता है PDP से, जो उन्होंने किया कश्मीरियों के साथ, जो उन्होंने किया जम्मू कश्मीर के साथ। एक तो दफ़ा 370 हटाया, 35A हटाया, और उसके अलावा उन्होंने यहाँ स्टेट को जो प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी और दो यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया, लद्दाख को अलग किया और जम्मू कश्मीर को अलग किया। ये जतलाता है कि उनको जम्मू व कश्मीर के लोगों के साथ कितनी हमदर्दी है। हम ये चाहते हैं कि जो 5 अगस्त को उन्होंने किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली किया, गैर कानूनी तौर किया, जो वो नहीं कर सकते थे, लेकिन थोपा गया, दफ़ा 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के आवाम को, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादती हो गई जम्मू कश्मीर के रियासत के साथ, बहुत ज़्यादती हो गई जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, ताकि वो भी, उनको भी पता चलना चाहे कि जो जमहूरियत का दावा करते हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत का दावा करते हैं, उनको भी ये पता चलना चाहे कि यहाँ किस तरह से इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में। यहाँ किस तरह से इन्होंने दफ़ा 370 हटाया, जो गारंटी थी, जो हमारे जो इलाक हुआ था हिंदुस्तान के साथ, उसके लिए वो एक पुल का काम करता था। और इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इससे नहीं होती है, डेवलपमेंट अब होगी। हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से कितना डेवलपमेंट हुआ हमारे कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, लोग परेशान हाल हैं, चाहे टूरिज्म के साथ जो वाबस्ता है, चाहे हार्टिकल्चर के साथ जो वाबस्ता है, चाहे टैक्सी वाला है, चाहे शिकारा वाला है, जो भी है, मजदूर है, सब परेशान है, किसी को खाने के लिए कुछ नहीं है आज। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ये हमारे ऊपर जो इन्होंने मुसीबत का पहाड़ डाला है, मेहरबानी करके जो भी है हिंदुस्तान के, जो भी हमारे साथी हैं, जो भी पोलिटिकल लीडर्स हैं, उनको चाहे कि वो आगे आए और BJP को यह जवाब दें कि ये आपने अच्छा नहीं किया। स्ट्रेटजी ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन थी
वो बहाल हो जाए और उनको लगता है कि ये स्ट्राइव करेंगे, ये जदोजहद करेंगे। और हमने भी तहिया किया है कि हम जदोजहद करेंगे और ये कोशिश करेंगे हम कि दफ़ा 370 और 35 ही वापस आना। देखिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बात नहीं करूँगा क्योंकि उनकी अलग पार्टी है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो डिक्लेरेशन हो गई है, ये गुपकार डिक्लेरेशन, हम उसकी के वादाबंद हैं। जो फारूक साहब ने भी कहा, जब उनको रिहा किया गया तो उन्होंने भी कहा कि जो हमने डिक्लेरेशन 4 अगस्त को की थी, 4 अगस्त 2019 को की थी, हम उसके पाबंद हैं। देखिए, मैं उस पर कोई कमिट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैंने सुना है कि उन्होंने नोटिस दिया है कि पूरा डिस्कशन हो पार्लियामेंट में, रियासत जम्मू कश्मीर के जो 370 हटाया गया उस पर डिस्कशन।